हेलो एवरीवन, मैं हूँ मधी और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मधी। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो भी एक DIY समझ लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ हैंड सैनिटाइज़र। तो जी हाँ, घर में हैंड सैनिटाइज़र किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ आपका जो सैनिटाइज़र है वो तैयार हो जाएगा। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। मैं ऑप्शंस भी दूंगी आपको कि अगर ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र जैसे कि आपको पता है मार्केट में इतना महंगा हो गया है, जो 150 रुपये की बॉटल है वो आपको 300, 400, 500 यहाँ तक कि 1500 रुपये में भी देखने में आई है। तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ हैंड सैनिटाइज़र जो कि घर में आसानी से तैयार हो जाएगा। तो चले चलकर देख लेते हैं क्या इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं, क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से हैंड सैनिटाइज़र बनके तैयार होगा। तो यहाँ आपको चाहिए होगा एक बाउल और एक स्पून, टेबल स्पून चाहिए होगा, और एलोवेरा जेल जो है वो मस्ट है, ये बेस है सैनिटाइज़र की। यहाँ मैं यस एंड नाउ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, और आप चाहें तो कोई भी एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो होगा डेटॉल का, ये एंटीसेप्टिक है, जम्स प्रोटेक्ट करता है जम्स से और एंटीबैक्टीरियल है। उसके अलावा रोजमेरी ऑयल है, ये भी एंटीसेप्टिक है, ये भी फंगल वगैरह से आपको जो है महफूज रखता है, बेहतरीन होता है ये। और उसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बताते बताते दिन निकल जाएगा। तो डेटॉल जो है ये तो इजीली आपको कहीं से भी मेडिकल स्टोर से मतलब मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, हर किसी की पहुँच में है, ये कोई भी जो है वो ईजीली इसको परचेज कर सकता है। तो आप चाहें तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ये यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रोजमेरी ऑयल है तो मैं वो यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये खाली बॉटल भी, कंटेनर आपको चाहिए होगा सैनिटाइज़र की, या कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है टी ट्री ऑयल का, वो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगी। कोई भी टी ट्री ऑयल आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको रोजमेरी ऑयल को यूज़ करूँगी, डेटॉल का मैं पहले बना चुकी हूँ इसलिए आज मैं रोजमेरी ऑयल का बना के रखूँगी। यहाँ जो है मैंने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया है, एलोवेरा जेल जो है वो बेस है, एलोवेरा जेल तो मस्ट है, और बाकी जो है वो ऑप्शन है। रोजमेरी ऑयल है तो वो यूज़ करें, डेटॉल है तो वो यूज़ करें, अगर टी ट्री ऑयल है तो वो यूज़ करें, इन तीनों में से जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मैं हाफ से भी कम जो होता है ना वो मैं लूँगी, और ये इतना मैं इसमें ऐड करूँगी। ये होंगे मेरे ख़ास से 30 ड्रॉप होंगे, अंदाज़न मैं आपको बता रही हूँ 30 ड्रॉप होंगे, और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, और बस ये सैनिटाइज़र तैयार है। इतना बेहतरीन सैनिटाइज़र है, मैं घर में ही बना रही हूँ सैनिटाइज़र। जब से मार्केट में प्राइस तो दूर की बात है, मिलना ही ख़त्म हो गए थे, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, तो बस मैं घर में ही सैनिटाइज़र बनाकर बॉटल्स में भर रही थी और वही यूज़ कर रही थी। तो 3-4 बॉटल्स हैं मेरी वो भरी हुई हैं सैनिटाइज़र की, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो ये देखिए हैंड सैनिटाइज़र तैयार है। मैं डिटॉल पर भी, डिटॉल के साथ भी बना चुकी हूँ, रोजमेरी ऑयल के साथ भी बना चुकी हूँ, और दोनों ही बेहतरीन हैं। बस इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लें ताकि दोनों इंग्रेडिएंट जो हैं वो एक यकजा हो जाएं, और उसके बाद जो है किसी भी खाली कंटेनर में आप उसको अच्छे से फिल कर लें, और जिस तरह से सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सैनिटाइज़र यूज़ करें। रोजमेरी ऑयल का ये है कि ये तो अगर आपको डिप्रेशन है तो उससे भी बहुत ही आपको मतलब सुकून फील होता है रोजमेरी ऑयल अगर आप स्कैल्प में लगाते हैं तो भी, मतलब रोजमेरी ऑयल के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप रोजमेरी ऑयल के ड्रॉप्स जो हैं 20 ड्रॉप अपनी पूरी शैम्पू की बॉटल में डाल लेते हैं तो आपको ना डैंड्रफ होगी, लाइस जो होती हैं जुएँ उनसे भी आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह टी ट्री ऑयल के भी फ़ायदे हैं, मतलब ये जो है रोजमेरी ऑयल जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, उस पर मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ जो है मैं बॉटल खोल रही हूँ और ये बहुत सख्त हो रही है, खैर ये खुल गई है। इसमें जो है मैं इसको भर दूँगी, उसको फिल करने का तरीका भी मैं बता दूँ आपको। इस तरह से डालकर बॉटल को नीचे आप टैप टैप करेंगे तो वो फिर ईजिली फिल हो जाएगी। ये देखिए आप इस तरह से डालने के बाद, इस तरह से जब आप इसको टैप टैप करेंगे तो ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा आप इस पर ऊपर उसके कैप पर मुंह पर लगाते जाएं और ये इस तरह से डैप डैप करेंगे तो वो सारा फिल होता चला जाएगा। मैं इसको पूरा फिल कर दूं फिर आपसे मिलती हूँ, और ये तरीका मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ किस तरह से ईजिली फिल हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कहीं आप सोचें कि इसका मुँह छोटा है तो ये इसमें जाएगा नहीं, ये बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप उसके मुँह पर लगाते जाएँ और डैप डैप करें बॉटल को तो ईज़िली जो है वो फिल हो जाएगी बॉटल। इनको बनाने से पहले आपने जो है हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है,
इस सैनिटाइज़र बनाने से पहले अपने हाथों को भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र तैयार करिएगा। और ये हैंड सैनिटाइज़र अब जब आप ख़ुद बनाकर यूज़ करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है जो मार्केट में सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही तैयार होगा, फ्रेग्रेंस भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि रोज़मेरी ऑयल की फ्रेग्रेंस बहुत ही बेहतरीन होती है, तो वो है मतलब खुशबू भी अच्छी आएगी और आपके जो हाथ है वो भी बहुत सॉफ्ट रहेंगे, ड्राई बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि रोज़मेरी ऑयल में जो है एलमंड ऑयल भी है और बहुत सारे ऑयल्स उसके अंदर शामिल हैं। और ये देखिए पहले मैं बना के एक बॉटल ये वाली भी रख चुकी हूँ, एक दूसरी मैंने आपके सामने फिल करी है, दो बॉटल्स और हैं वो भी मैंने बनाकर मतलब मैं घर में ही सैनिटाइज़र बनाकर यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है बाहर के सैनिटाइज़र में और जो घर में बनाया है उसमें। आप जब खुद यूज़ करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सैनिटाइज़र कैसा लगा, मेरी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये आपको कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट का वेट रहेगा। देखा आपने कि ये हैंड सैनिटाइज़र कितनी आसानी के साथ बनकर तैयार हो गया, तो आप भी जो है घर में ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हैंड सैनिटाइज़र जो है आपको कैसा लगा। रोज़मेरी ऑयल मैंने यूज़ किया है, रोज़मेरी ऑयल का ये है कि वो भी एंटीसेप्टिक है, डेटॉल जो है वो भी एंटीसेप्टिक है, प्रोटेक्ट करता है, ये आपके जर्म से प्रोटेक्ट करता है आपको, तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है। तीन ऑप्शन है आपके पास, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास तो उसको सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल में मिक्स करिए और ज़बरदस्त हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। और मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मुझे साथ में बेल आइकन है चेंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।